हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पीस क्लास। वेलकम कम कम भारती मैम आई है ट्रेडर क्लास से। इनके बालों में ना नाराजगी हो गई थोड़ी सी, देखो अब मैम नाराज हो गई अपने बालों से, तो मैम की नाराजगी दूर करेंगे और बालों की नाराजगी भी। देखिए आपको ये देखो, मैम ने बहुत कुछ करा लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो स्ट्रेट थेरेपी बोटॉक्स वगैरह सब करा लिया, सारे सिर्फ ले लिया। देखो मैम के बाल इधर दिखाओ सारे, ये देखो सारे हेयर है, ये ऐसे हो गए। तो इस पर करने वाले हैं, वैसे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिपेयर थेरेपी जाना था, बट हम मोशन थेरेपी कर रहे हैं, मैडम की डिमांड है। डन, तो अब देखते हैं स्टेप टू स्टेप आपको दिखेगा इस पर क्या होगा कि इसके अंदर ना मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आके ये हैवी हो जाएगा। हैवी चीज़ें कभी भी आपस में मुड़ती नहीं है, फिर लगती भी नहीं है। रिपेयर से तो एटलीस्ट पूरा ही रिपेयर हो जाता, वो अलग बात है। अब मॉइस्चर से क्या होगा कि जब भी मॉइस्चर थेरेपी वालों को ठीक करने के साथ साथ सीधा करता है, लेकिन केमिकल के थ्रू नहीं करता, वो इसके अंदर वेट आ जाता है उसकी वजह से सीधा होता है वो। तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे वेट रिड्यूस होगा तो हेयर विल बी स्ट्रिंग, लेकिन वो होता नहीं है, काफ़ी स्टेबल प्रोसेस है, डोंट वरी। ओके, तो मोशन थेरेपी हम करने वाले हैं इसके ऊपर और इससे वेट आएगा। ओके, और ये देखिए मैम को एक हल्का सा रूट टचअप चाहिए, ठीक है, ये सबके साथ होगा, ऐसे वाली बात नहीं है। कैमरे बोल रहा हूँ ना, देख रहे अब इसको एडिट करना पड़ेगा, देखो कोई नहीं, हम एडिट कर लेंगे, हमारी वीडियो लाइव होती है आपको पता है, कोई मॉडल शूट नहीं होता, राइट। सो गाइज, हमने कर लिया हेयर वॉश, ये देख रहे हैं मैम के नीचे के बिल्कुल ड्राई हो रखे हैं बाल। मैंने बताया आपको ब्लीच एक्सेस में कर दिया, वो कलर नहीं है, ब्लीच कर दिया जिससे बाल बिल्कुल फ्रीज होकर आपस में गुच्छे बन रहे हैं, बंच बन रहे हैं, राइट। हमने वॉश करके लिया है, देखिए बाल फिर से फंस गए हैं, ये वॉश ही कर रहे हैं अभी, वॉश कर ड्रायर कर रहे हैं हम अभी तक। मैं चेक कर रहा हूँ कितनी कास्टिंग है, मैम ने कलर भी ऊपर लगा रखा है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले रूट टचअप, एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि हम पहले रूट टचअप कर लेते हैं, क्योंकि जो हम मॉइस्चर थेरेपी करने वाले हैं उसके अंदर कोई भी कलर फ्रीज नहीं होता। नॉर्मल अगर इस कंडीशन में आप केराटिन वगैरह करते हैं तो कलर फ्रीज हो जाता है, कलर वापस से वाइट हो जाते हैं हेयर। तो हमारे इस प्रोसेस में कोई भी केमिकल प्रोसेस तो है ही नहीं, प्रोटीन बेस्ड थेरेपी है, तो इसमें कलर को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना ही कलर फ्रीज होने वाला है। ओके, इवन कलर इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा सा हेल्दी लगता है, क्योंकि बालों की क्वालिटी हेल्दी हो जाती है, राइट। तो हमने ये रूट टचअप कर दिया, रूट टचअप के बाद हम वॉश करते हैं और वॉश के बाद अपना मॉइस्चर थेरेपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर हेयर थोड़े से हेल्दी हैं, नीचे थोड़े ड्राई हैं, तो पहले हम ऊपर लगाएंगे, फिर हम बालों की डाउन लेंथ पे लगाएंगे, जो एंड्स पे, मिड से लेके एंड्स तक। दो टाइप के हमारे प्रोडक्ट आ गए मॉइस्चर के, ये आ गए हमारे ऊपर की लेंथ के, थोड़े स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो चीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग है जितनी जैसे उसके हिसाब से लेंगे। टाइप्स ऑफ मॉइस्चर थेरेपीज आती हैं, तो आप भी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, राइट। ये दिख रहा होगा आपको, हम स्टेप टू स्टेप लगा रहे हैं, लेकिन हम ये सिर्फ ब्लैक हेयर पे लगा रहे हैं, और हैंड टू हैंड इसको लगाते ही हम सीधा पानी से धो देंगे, क्योंकि बाल थोड़े ज़्यादा ना हो जाए ड्राई, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ख़राब ही होती है, राइट। स्मूथनिंग क्रीम बालों को सीधा करते, ज़्यादा देर तक रख दोगे तो ज़्यादा सीधे नहीं करेगी, जला देगी। ओके, कलर ज़्यादा देर तक रख दोगे तो कलर बालों को एक्सेस में केमिकल है वो वर्क करता रहता है, कलर लिफ्ट तो नहीं करता, जितने नंबर का उतने नंबर पर रहता है, बट डैमेज तो करता ही है ना बार बार। तो हमारी ये ऊपर से लेके जो हेल्दी लेंथ है या फिर जो कास्टिंग वाली लेंथ है वो तो कवर अप होगी, वो कास्ट से है डैमेज, और नीचे वाली हमारी ब्लीच से डैमेज है। तो ब्लीच के अंदर हम अलग एडिटिव्स लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारे ये हो गई कवर। अब आता है नंबर डाउन लेंथ का, इसके बाद हम करेंगे अपनी जो है डाउन लेंथ को। ये अलग से प्रोडक्ट आया, ये लगाया, इसके बाद हम एक प्रोडक्ट और लगाएंगे, दो प्रोडक्ट बैक टू बैक बैक टू बैक, हर बार हम प्रोडक्ट लगाते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे। इसके अंदर वॉश नहीं होगा, इसमें यहीं कहीं रिंस आउट हो जाएगा, यहीं कहीं पानी से धो लेंगे हम, क्योंकि दो दो हैं, एक्सेस प्रोडक्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद हम ड्राई करके, जस्ट ड्राई करके हैंड टू हैंड वॉश कर देंगे बालों को। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप टू स्टेप, आप देखते रहिए, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। ये दिख रहा होगा आप, मैं एंड्स टू एंड्स कवर कर रहा हूँ इसके सारे, क्योंकि अब हमारा मिड में तो लग ही गया, एंड्स रह गए हैं, जो ब्लीच वाला सेक्शन है उसको कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लू ब्लू इसलिए दिख रहा है, हमने थोड़ा सा शाइनर ऐड कर दिया ताकि बालों की क्वालिटी बनी रहे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में मैंने बताया कि काफ़ी क्लाइंट आते हैं शाइनर कराना है, तो स्टैंड अलोन नहीं होता, तो किसी भी केमिकल के साथ होता है। मैं वॉश कर देता हूँ, ये देखिए हम इसके अंदर से जो एक्सेस प्रोडक्ट चला गया है वो निकाल लेंगे, क्योंकि बालों की कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को होल्ड करके रखने की, तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, पानी मार मार के निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ड्रायर मार देंगे। ड्रायर करते ही प्रेसिंग करके हम अगेन वॉश करके दोबारा से एक और स्टेप लगा देंगे, उसके बाद फिर अगेन वॉश कर देंगे कोई बिना प्रेसिंग के, फिर हम लास्ट फाइनल स्टेप लगाएंगे, उसके बाद वॉश कर देंगे और बिना प्रेसिंग के नॉर्मल आपको हेयर दिखा देंगे। इसमें बार बार प्रेसिंग का कोई झंझट नहीं है, ये आपने धोया, धोने के बाद
मतलब रिंस आउट किया शावर से और ये ड्रायर के बाद प्रेसिंग हो गई मोशन में। अब इसको हम प्रेसिंग के बाद क्या करेंगे ना कि हम इसको वॉश कर लेंगे, ठीक है। वॉश के बाद एक प्रोडक्ट लगेगा एक और जो बिना प्रेसिंग के वॉश हो जाएगा, उसका एक और प्रोडक्ट लगेगा जो बिना प्रेसिंग के वॉश हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। सीलर वगैरह सब कुछ आज ही लग जाएगा इसमें, मतलब आप इसको दो दिन में भी करवा सकते हो कोई एक स्टेप छुड़वा के, आप इसको सेम डे भी करवा सकते हो। और काफ़ी बार हम इसको बालों की कंडीशन के हिसाब से भी करते हैं, मैंने बोला ना यार सिचुएशन मैटर रखती है, काफ़ी बार सिचुएशन जो बाल है कंडीशन है क्लाइंट क्या चाहता है उसका टाइम कैसा है कंडीशन कहती है, काफ़ी चीज़ें हमें देख के करनी पड़ती है इस चीज़ के अंदर, राइट। आपको दिख रहा होगा हम बैक टू बैक करे जा रहे हैं, प्रेसिंग हमारी होने वाली है ऑलमोस्ट, हमारा लास्ट टू लास्ट सेक्शन है शायद ये, ओके। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करते ही हम इसको वो कर लेंगे, सेकंड प्रोसेस एक और लगा देंगे हम, राइट। ऐसे हम बैक टू बैक चलते रहेंगे, हमने दो क्रीम तो इनमें हैंड टू हैंड लगा दी, अब देखो रिंस आउट हो गया हमारा ये, अब हैंड टू हैंड इस पर एक प्रोडक्ट और लगेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये आगे हल्का सा ड्राई करेंगे और एक और ये प्रोडक्ट, इसमें भी हमने हल्का सा शाइनर मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लगा दिया प्रोडक्ट, काफ़ी बार मैं इसको बस एंड लेंथ पे लगाऊंगा क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की लेंथ है ग्रोथ है वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी है, तो हमें इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप काफ़ी बार मेरी एप्लीकेशन में देखोगे कि मैं इसको एंड पे लगाऊंगा, अभी तो मैं स्टार्टिंग से लगा ही रहा हूं, अब बीच में आते ही हमें इसको सिर्फ एंड लेंथ पे लगाऊंगा, बाकी चीज़ों पे सही चलेगा। ये देखो दिख रहा होगा ना आपको, मैंने रूट्स के आसपास नहीं लगाया, अब हल्का फुल्का लगा लीजिए वो कोई इशूज नहीं है, बट जो मेन कंसर्न है जो मेन एरिया है हमारा वो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। ये देखिए मेन आप एरिया पे ध्यान दीजिए, अगर आप सब पे लगा रहे तो कोई इशूज नहीं है, बस इसमें यह है कि प्रोडक्ट लग रहा है आपका, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने देखा स्टेप टू स्टेप करते करते हमने प्रोडक्ट लगा लिया, इसको पूरे बालों में प्रोडक्ट को लगाने के बाद हम अगेन वॉश करेंगे, कोई प्रेसिंग नहीं, कोई ड्रायर नहीं, कोई नथिंग कुछ भी नहीं, जस्ट इसको हम वॉश आउट करेंगे, उसके बाद एक और स्टेप लगाएंगे, उसके बाद जस्ट कोई प्रेसिंग नहीं कोई ड्रायर नहीं सिर्फ वॉश, वॉश के बाद वो हम फाइनल ड्रायर करेंगे जो क्लाइंट को फाइनल रिजल्ट दिखाना, ये हमारा प्रोडक्ट लगने के बाद ये हो गया वॉश। वॉश के बाद हम अब एक और लगाने वाले हैं हमारा स्टेप, ये देखिए फाइनल सीलर कहते हैं इसको, सीलर लगा देंगे हम, स्टेप टू स्टेप लगेगा पूरे बालों में, आप देखते रहिए कोई भी इशूज़ नहीं आने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देखिए स्टेप टू स्टेप लगेगा, ठीक है। उसको हैंड टू हैंड धो देंगे हम, कोई भी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है इसके अंदर भी, ना ही कोई प्रेसिंग, ना ही कोई ड्रायर, ना ही कोई स्टीम, कुछ भी नहीं, नथिंग, ओके डन। ये हमारा होते ही हम इसको इंस्टेंट वॉश कर देंगे, एप्लीकेशन करने के बाद आप इसको 5-10 मिनट रख सकते हो, हर किसी ट्रीटमेंट को रखने का टाइम होता है, उसके बाद हम इसको रिंस आउट करके ले आइए, धो दिया। अब जस्ट हम सिंगल हम इसको धोने के बाद अब इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करके आपको दिखाता हूँ मैं फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा लुक और बहुत हेल्दी, जैसे आपने लास्ट में स्टार्टिंग में देखा ना फंगल बना पड़ा था बालों का, ये देखिए ये है फाइनल लुक। इस पर हमने शाइनर लगा के रील्स भी बना रखी है, इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर देखना, हमारी बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती हैं, सारी अपडेट्स आती हैं चीज़ों में कैसे क्या होगा, तो आप देख के मुझे ज़रूर बताएं कैसा आपको लगता है, कमेंट करें हमारी वीडियोस पे, बताएं कि क्या कुछ न्यू चाहिए क्या चाहिए, तो हम उसको कमेंट को फॉलोअ करेंगे आपके, ओके। थैंक यू गाइस, पी स्क्वायर सलोन।